देखो दोस्तों हाँ। सही हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। बहुत दिनों के बाद तो फिलहाल मैं हूँ घर में। और दोस्तों, मैं दौड़ने गया था आज सुबह को, तो अभी दोस्तों मैं जाने वाला हूँ अपने सचेरा भाई के घर में। मेरे भाई को 4 महीने पहले एक्सीडेंट हुए थे, अभी वो ठीक हो गया है, एकदम नॉर्मल कंडीशन में है फिलहाल। तो अभी मैं उसको देखने जा रहा हूँ उसके घर में। तो दोस्तों, ऊपर देख सकते हो हमने तालाब से मछली पकड़ के लाए, ये देखो खाने के लिए। आज रविवार है, आज खाएंगे। तो दोस्तों, मैं जाके आता हूँ अभी चचेरा भाई के घर में। यहाँ पर दोस्तों देख सकते हो बहुत सारा सुपारी मेरे घर वाले बेचने के लिए तोड़ने दिए थे पैर से। ये देखो काम करने लोग भी आ गए। यहाँ पर भी देख सकते हो पूरा सुपारी। ये देखो, थोड़ा जल्दी में हूँ इसीलिए सुपारी तोड़ने का ब्लॉग बना नहीं पाऊँगा। सीधा जाएंगे अब मैं अपने चचेरा भाई के घर में। तो फाइनली दोस्तों, अब निकल गए घर से, चलते हैं अभी सीधा मेरे चचेरा भाई के घर में। आज तो बहुत गर्मी है गाइस, बहुत रोशनी दे रही है, बहुत गर्मी लग रही है। ये देखो मैदान है, एकदम कच्चे कच्चे लग रहे हैं। अभी 2-3 महीने के बाद धान लगाया जाएगा इसमें। अब मैं बिल्कुल धीरे चला रहा हूँ, आजकल मज़ा नहीं लगता है दोस्तों ज़रा स्पीड चलाने में। और जो अभी लोग जा रहे हैं ना स्कूटी से, तो इन लोग मुकबंग करने जा रहे हैं पहाड़ तक, क्योंकि अभी गर्मी का सीज़न हो गया है। नदी में जाएगा, नहाएंगे, दारू वाड़ू पियेंगे, नाचेंगे गाएंगे, वापस आ जाएंगे। सही है। तो देखो बच्चे लोग भी पूरा फ़ोन पकड़ के हाथ में, गर्लफ्रेंड से बातें करके जा रहे हैं। सिर्फ मेरा ही नहीं है गर्लफ्रेंड, बुढ़े हो गया हूँ क्या ही करे, फिर भी गर्लफ्रेंड नहीं मिल रहा अभी तक। ये देखो ईटा के बिजनेस दोस्तों, मेरे आगे है ऑटो एकदम फुल, फिर भी और 2-3 जन फिर से भरेंगे उस ऑटो में, क्या 2-3, 5-10 तक भरेंगे फिर से फुल होने से भी। खतरनाक लोग है यहाँ पर। तो दोस्तों यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्पीड ब्रेकर बना दिए, पहले इतना ज़्यादा नहीं था क्योंकि आगे स्कूल इसीलिए, और कॉलेज भी यहाँ देख सकते हो बहुत सारा दुकान खोल गए नया नया। ये कॉलेज भी अपग्रेड हो गए थोड़ा। ये बैंक तो क्या ही बोलूँ, कभी भी खुलता नहीं है वो बैंक, पैसे ही नहीं रहता है, ऐसे ही नाम पे बैंक है ये, बहुत आलसी है मैनेजर लोग। तो दोस्तों बात कर करके अभी मैं पहुंच गया हूँ शिमला मार्केट। आज रविवार के दिन है, आज बाजार नहीं थे, थोड़ा खाली देखने को मिलेगा। यहाँ पर लोग जा रहे हैं बिना हेलमेट के। ये देखो लाल नंबर प्लेट सभी भूटान के गाड़ियाँ, शॉपिंग करने गए थे इंडिया में, अभी शॉपिंग करके आ गए, अभी फिर से जा रहे हैं अपने अपने घर में भूटान तक। ये देखो लाल नंबर प्लेट सभी भूटान के गाड़ियाँ, वो जो सफ़ेद है वो इंडिया के, जिस पर बीपी लिखा होता है वो है भूटान के। तो दोस्तों अभी मैं पहुंच गया हूँ शिमला, यह है मेन टाउन टुकराकुशी के सामने, नहीं मेन टाउन नहीं है, गांव है गांव। और यहाँ पर बहुत सारा टोटो रिक्शा से, ये देखो वर्टेक मार रहे हैं इतना धीरे, सही हवा लग रही है दोस्तों। और आगे देख सकते हो पटके पार करके जा रहे हैं रास्ते, ये देखो दोस्तों भटके मुखबंग करने का मन कर रहा है भटके को। ये देखो रास्ता में भी कोई कैन फेंक के गया, इतना गंदगी करता है ना लोग क्या ही करे। दोस्तों आ गई मैं फाइनली अपने भाई के घर में। मेरे अंकल के गाड़ी खड़े हुए उधर, वो बेचारा कुमा में थे 4 महीने, अभी पूरा नॉर्मल कंडीशन में आ गए। दिल्ली में लेके गया था उसको। ये देखो इसके घर में गाय भी है, मेरे को देख रहा है। ये देखो दोस्तों फाइनली मैं पहुंच गया हूँ अपने चचेरा भाई के घर में। वो बंदो, ये देखो गाड़ी के नीचे बहुत सारा मुर्गा मुर्गी और बटके बैठे हुए है, छाव छाई है इन लोग को, बहुत ज़्यादा रोशनी दे रहे हैं ना इसीलिए गाड़ी के अंदर। हर तरफ खेत के मैदान ही मैदान, मैं पैर धो लेता हूँ। तो दोस्तों फाइनली आ गए रूम के अंदर। ये देखो चचेरा भाई बिल्कुल ठीक हो गए, एक्सीडेंट हुआ था, एक्सीडेंट हाँ पता चला सबको।
धीरे धीरे चल रहे है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक हो जाएंगे। अभी बिल्कुल तगड़ा कंडीशन में हो गए पहले से ज़्यादा। तो दोस्तों अभी मैं जा रहा हूँ अपने चचेरा भाई के घर से, खाना खा लिए यहाँ पर ही मटन, और कहते बाय बाय। अब मैं बहुत खुश हूँ कि मेरे भाई सही हो गया, अभी चल सकता है, दौड़ सकता है, हंस सकता है, कुछ भी कर सकता है। नहीं तो जब कोमा में था तब दिक्कत होते थे, परेशान था। चलते दोस्तों, बारिश दिया था थोड़ा बहुत, अभी गायब हो गया इसलिए निकल पाया घर से। हल्का फुल्का फिर से दे रही है बारिश, कोई दिक्कत नहीं। ये देखो ईद को कैसे सजा के रखे, और तेल सिर्फ एक मीटर बचे हुए, रेंज दिखा रहा है 110 किलोमीटर। कोई टेंशन नहीं, एकदम सही। ये देखो दोस्तों मेरे आगे एकदम तीन जन वेग के ट्रिपलिंग जा रहा है दोस्तों, क्या ही करे अपना अपना लाइफ। ये देखो दोस्तों बकरी बीच रस्ते पार करते हुए, मटन बनना है उसको, मुखबांग करेंगे दोस्तों गाड़ी से टकराने से, क्या ही करे। वो सब बहुत स्वादिष्ट है, मना नहीं कर सकते। और तेल एकदम गायब दोस्तों, यहाँ पर फंक्शन होने वाला है शायद, इसलिए टेंट बना के रखे। ये मुखबांग SBI वाले सोते रहते क्या, ऊंचा अभी भी खोलते नहीं है, हमेशा बंद, कैसे होगा वैसे। ये बकरी देखो मुखबंग होना है उसको, इसलिए खड़े हुए रास्ते के बीच में। एकदम खाली सा रास्ता, एकदम सही लग रहा, मजे। ये हल्का फुल्का भीगा भीगा हुआ, इधर एकदम रास्ता भीग गए, बारिश देते एकदम हैवी वाला, क्या ही करे, बारिश को तो रुक नहीं सकते ना। ये देखो दोस्तों, छोटा पूजा मुंडमन मुखबांग 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 रजन ना Hey,